क्या सोचा था और क्या हो गया? आपको लगा था कि संडे का दिन है, पहला मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी, क्वालिफाई कर जाएगी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच का कोई मोल नहीं होगा जी, फाइनल में खेलेंगे जी इंडिया और पाकिस्तान का इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा, ये बड़ा रेयर मुझे दिखा। सबके सपोर्टर्स ये चाहेंगे कि यहाँ पे फाइनल में आके पाकिस्तान भारत बदला ले, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ था वैसा। मुझे लगता है पाकिस्तान इस मुकाबले को जीत जाएगा, उसके बाद भारत के मुकाबले को नाचोज़ और पॉपकॉर्न के साथ देखेगा। जब भारत जीत जाएगा तो फिर फ्लाइट पकड़ के घर चला जाएगा, बांग्लादेश भी घर चला जाएगा, सब घर चले जाएंगे। इंडिया और साउथ अफ्रीका मुझे लगता है वहां क्वालिफाई कर जाएगा। फेवरेट टीम इन ग्रीन पाकिस्तान इज थ्रू, ये किसी ने नहीं सोचा था बाबा, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। यहीं पे बैठ के कलम ने कहा था कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर जाएंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे ये भैया, वहां से जाएंगे सिडनी और सिडनी से जाएंगे सीधा मेलबर्न, क्योंकि ये टीम पहुंच जाएगी सेमीफाइनल से फाइनल। यस, बुरा खेला नहीं है, तभी नेट रन रेट भी बताती है ना वो कहानी पाकिस्तान की। नेट रन रेट इतनी बुरी नहीं, क्योंकि आप बुरा खेलते हो, खराब हारते हो तो आपका नेट रन रेट भी गिरता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वहां के लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान खेल तो ठीक ही रहा है था, लेकिन किस्मत जो पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ थी, इस वर्ल्ड कप में वो इंडिया के साथ थी। अब स्ट्रांग लग रही है और खतरनाक लग रही है सर ये टीम। नहीं, खतरनाक लग रही है। अभी हम सर बात कर रहे थे कुराल सर, क्या मतलब ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले ये पलटे, अब सेमीफाइनल में मोहम्मद हारिस जो इनके लिए इतने अच्छे शॉट्स लगाने वाले, जिसके जो स्ट्राइक रेट मिस करती है पाकिस्तान की टीम, वो खिलाड़ी टीम में अचानक से। पाकिस्तान की टीम बेहतर नजर आ रही है, मिडिल ऑर्डर ने रन बनाना शुरू कर दिए हैं, हैरिस आ गए हैं, शाहीन अफरीदी फॉर्म में आ गए हैं, बाकी हारिस रौफ तो पहले से ही कहल डा रहे थे। अरे तो वर्ल्ड कप में दो ऐसी इनिंग्स खेल दी है, बिल्कुल भाई लूजिंग कॉज में ही सही, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 50 बनाया। आज पता नहीं नतीजा क्या होगा, बट मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूँ शादाब से, शादाब इतना तेज खेल गए फिर इफ्तिकार के। देखिए अब माजी तो माजी हो गया, माजी में जो हुआ है क्या करेगा काजी, जब हो गया सब माजी। इन द सेंस कि लीग स्टेज खत्म हो गई है, बट लीग में क्या हुआ ना, चार टीमें आ गई है, चार टीमों में एक इंडिया इंग्लैंड है, एक पाकिस्तान न्यूजीलैंड है। आई नो फैंस जो है वो बहुत शोर हो रहा है, हल्ला हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल, और दोस्तों अभी दोनों ने अपना अपना सेमीफाइनल जीतना है। थोड़ा ठंड रखो, थोड़ी ठंड रखो, क्योंकि हम लोग ना बड़े एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का मैं देख रहा हूँ, वहाँ के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो पहले तो उड़ा रहे थे अपनी टीम को, वो कह रहे थे कि ये ऐसा है वैसा है, अब सब कह रहे हैं कि वाह मज़ा आ गया। वही चीज़ इंडिया में भी होती है, हम सब गलती करते हैं, जब टीम हारती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं, जब जीतती है तो इतना भी हम वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, बिकॉज चारों टीमें अच्छी आई हैं। इंडिया ने टॉप किया अपने पूल को, और इंडिया के पास मुझे लगता है निखिल, अब जो आहिस्ता 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 सा चीज़ हो रही है, अदर देन विराट कोहली ऑफ कोर्स, बिकॉज विराट इज द ग्लू जो आपकी बैटिंग को लेकर चल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हर मैच में आपका एक विकेट ऊपर गिर जाता है पहले, सूर्य कुमार यादव का खौफ हो गया। क्या बैटिंग कर रहे हैं, मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कई बार टीवी में आप देखते हो आपको रियलाइज नहीं होता, जब मैदान में देख के आपको लगता है ना उनका दिमाग कंप्यूटर जैसा है, जैसे वो गैप ढूंढते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, वो फास्ट बॉलर डालता है, जैसे ही फाइनल लेग ऊपर लेता है आपको पता है वो आउटसाइड ऑफ डालेगा, क्योंकि वो उसने ऊपर लिया है फाइनल लेग, उसको पता है नहीं जाएगा, वो पैर ऐसे करते हैं वही गैप ढूंढते हैं, ठीक है। दूसरी बार फिर बॉलर क्या करता है, थर्ड मैन अंदर लेता है, आपको पता है फिर थर्ड मैन अंदर लिया है तो शॉर्ट पिच डालेगा, वो शॉर्ट पिच को वो रैम्प शॉट खेल देते हैं थर्ड मैन के ऊपर से। मतलब मैं कह रहा हूँ डेथ ओवर में बॉलर के पास तीन चार चीज़ें होती हैं, एक यॉर्कर होता है, और यॉर्कर के लिए बॉलर जाएगा तो पैर आगे उठा के वो स्कूप मार देते हैं ऊपर से। नहीं मतलब ये है ना टारगेट बॉल नहीं, और लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में जहाँ पर डेटा Yeah, he's making a video. Yes, no problem. खैर मैं यही कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जहाँ पे डेटा इतना आपका इम्पोर्टेंट होता है, आप विजुअल्स देखते हो प्लेयरों की, आप स्कैनिंग करते हो, भाई आप बनाते हो ना यार ये शुरू में ऐसा खेलेगा बाद में वैसा खेलेगा, विराट को यहाँ बॉल डालना है। सूर्य ने क्या किया है, जो उनकी बैटिंग हो रही है, आई थिंक उन्होंने उस नोशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो मर्जी गेम प्लान बना दो, अब क्या गेम प्लान बना लोगे। मैंने तो अलग अलग शॉटें ईजाद करनी है, मैंने अलग अलग शॉटें जो है वो खेलनी है, लेकिन फिर वही बात आती है ना डर, क्योंकि अब ना आप सेमीफाइनल में आ गए, और सेमीफाइनल का दरवाज़ा समहाउ इंडिया के लिए मेरा मानना है कि सबसे डेंजरस दरवाज़ा होता है, ये हमने अभी देखा भी है हालिया, सेमीफाइनल से हमेशा डर भी लगता है, बट इस बार इस टीम में ना कुछ अलग दिख रहा है। हो सकता है टीम लीग से बाहर हो जाती है, हो सकता है पाकिस्तान से हार जाती है, हो सकता है बांग्लादेश से हार जाती है, लेकिन अब इस टीम से डर रही है दुनिया,
क्योंकि आपकी बॉलिंग चलनी शुरू हो गई है। स्पिनर्स अभी भी भारत की कमजोरी है, उस पर भी आएंगे अब, बिकॉज अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो चार टीमें सेमीफाइनल आई हो उनमें से एक इंडिया भी हो, और हम ये कह रहे हो कि इंडिया की स्पिन बॉलिंग शायद सबसे कमजोर है। अश्विन, अब बात यह है कि अश्विन 3 विकेट ले गए, अश्विन अच्छा बॉलर, याद रखेंगे वो बैटिंग का आपको कुशन दे रहे हैं, आप उसको याद रखेंगे। आई थिंक सबसे बड़ी हैरानी हुई है अक्षर पटेल को लेके, क्योंकि आपको याद होगा जब जडेजा बाहर हुए थे तो लोगों ने कहा उनको कौन रिप्लेस करेगा, अक्षर आए एंड फिर हमने कहा कि भाई लाइक फॉर लाइक, लाइक फॉर लाइक में हमने कहा बतौर बॉलर तो वो बेहतर हो गए भाई, वो जडेजा ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं एज अ बॉलर। ठीक है, बैटिंग में शायद वो 19 हो सकते हैं, जडेजा एज अ बॉलर बेटर हो रहे हैं, पर वो इंडियन कंडीशन थी जो उनको शायद सूट करती है। ये कंडीशन जो है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो है वो अक्षर पटेल स्टाइल ऑफ बॉलिंग को सूट नहीं कर रही है, वो जो बॉल स्किप करता है उनका वहाँ पर यहाँ पर होता नहीं, वो उछल जाता है। आई थिंक बैट पे अच्छे से आ रहा है और वो रन के लिए जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आप उनको रिप्लेस कैसे करो, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको ऑलराउंडर चाहिए। तो लोग कहते हैं यूजी चहल ले आओ, बट यूजी चहल फिर आपको वो बैटिंग नहीं देंगे, तो आप अभी थोड़ी एक परेशानी में फंस गए हो। या फिर आप उस चीज़ पर जाओ वापस जिस पर आप गए थे वो दीपक हुड्डा, कि भाई अगर 6 बॉलर ही आप अक्षर को देख रहे हो, एक दो ओवर ही देख रहे हो, तो आप उनके पास जाओ, एटलीस्ट बेटर बैटिंग ऑप्शन आपको मिलता है। ये अगर टीम सोचे तो दैट इज़ अ पॉसिबल। देखिए एक हकीकत है, अगर आप देखें एडिलेड और सिडनी, अब यहाँ पर 2 सेमीफाइनल है, क्योंकि अब देखिए पहले हम मोटे मोटे स्वेटर्स पहन रहे थे, जैकेट पहन रहे थे, अब देखा टी शर्ट्स में आ गए हैं, विच मीन्स कि गर्मी अब शुरू हो गई है फाइनल में, उससे थोड़ी सी कंडीशन आपको ड्राई की मिलेंगी। एडिलेड में बॉल आपने देखा ग्रिप भी करेगा, पाकिस्तान की लोग बात करते हैं गेंदबाजी गेंदबाजी गेंदबाजी, पाकिस्तान की ताकत है शादाब खान, लेग स्पिनर, हर मैच में दिखते हैं बीच में आते हैं। ई सोडी मिचेल सैंटनर स्पिनर, ई सोडी राइट आर्म लेग स्पिनर, इवन इंग्लैंड आदिल रशीद, और दोस्तों मैं जब इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल होगा ना आदिल रशीद से डरूंगा, आदिल रशीद से डरूंगा, वो विकेट लेते हैं। तो इंडिया के पास ही राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं है, युजवेंद्र चहल सारा साल आप खिलाते हो वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दिया, फिर अगले साल पूरा साल खिलाया, यहाँ वर्ल्ड कप में लाकर उनको मैच नहीं खिलाया। बट अगेन बात वही है कि टीम की सोच क्या है, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर आपको बीच में विकेट देगा, आपको इंग्लैंड के खिलाफ रन नहीं रोकने, आपको इंग्लैंड के खिलाफ विकेट नहीं है, रन तो रोक ही नहीं सकते हो, उस टीम ने रुक के खेले ही नहीं है, बट आपने अगर 3 आउट कर दिए देन आप इंग्लैंड को खत्म करते हो। हर टीम में हमने देखा ना जो बाहर ले जा रहे हैं ना राइट हैंडर से, वो अच्छा कर रहे हैं, सैंटनर और अच्छा कर रहे हैं, शादाब की अपने बात की अच्छा कर रहे हैं, आदिल रशीद अच्छा कर रहे हैं। सो जो जो बॉलर नवाज को देखते हैं, शादाब, सारे जो राइट हैंडर से बॉल अवे लेकर जा रहे हैं वो बॉलर अच्छा कर रहे हैं, इंडिया नहीं खिला रही। आई थिंक यही सोच थी कि आप पंत को लेके आए, क्योंकि ज़्यादातर बॉलर, आई थिंक इंडियन टीम की सोच पंत को लाने के पीछे यही थी, नॉट फॉर द जिम्बाब्वे मैच, अगला इंग्लैंड का जो मैच होगा जब आपको चाहिए।